स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द अवल एकेडमी ऑफ एजुकेशन। अब तक हमने मल्टीप्लिकेशन के शॉर्ट ट्रिक्स किए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। आज हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, टू और थ्री नंबर्स की सब्ट्रैक्शन, टू थ्री या मोर नंबर्स की सब्ट्रैक्शन एक स्टेप में हम कैसे करें। फॉर एग्जांपल के हमने 7, 2, 3, 4, 5, 6 1, 3, 4, 98 के इन नंबर्स को हमने 7, 2, 3 में से माइनस करना है। तो इसको अगर आप 1 by 1 करोगे तो एग्ज़ाम में बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। तो हमने इसको फटाफट से कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपने क्या करना है कि जो ये माइनस वाले नंबर्स हैं इनको ऐड करना है। 8 + 4 = 12 + 6 = 18। अब 18 से बिगर ऐसा नंबर जिसका यूनिट्स प्लेस 3 हो, इमीडिएट बिगर, तो वो आता है 19, 20, 21, 22, 23। तो इस 23 को साइड में लिख लेना है, यहीं पे लिख लेते हैं, इसको सर्कल कर लो, ठीक है, ताकि याद रहे। 8, 4, 12 और 6, 18। अब हम इसको भूल जाना है आपने, क्योंकि ये 23 बन चुका है। अब 8, 4, 12 और 6, 18 में कितने जोड़े के ये 23 बन गया, 5। जितने जोड़े वो यहाँ पे आ जाएगा नीचे, ठीक है। 18 में कितने जोड़े के वो 23 बन गया, 5, तो ये नीचे आ गया। अब इसका जो ये 23 का 2 है, ये नेक्स्ट स्टेप में ऐड होगा, किसमें, माइनस वाले में, ना कि प्लस वाले में, क्योंकि हमने इसको दिया है। तो 2 इसमें जुड़ गया, 9 + 2 = 11, 14, 14 + 5 = 19। अब 19 से बिगर ऐसा प्लेस जिसका यूनिट्स डिजिट 2 हो, तो वो क्या है, 22, 22, राइट। अब 9, 3, 12, 12 + 5 = 17 + 2 = 19। तो 19 में हमने कितने जोड़े, 22 बन गया, 3। अब इस 22 का 2 माइनस में जुड़ेगा, 2 + 3, 2 + 1 = 3, 3 + 4 = 7। अब प्लस के 7, माइनस के 7, तो आंसर 0, राइट। इतना समझ आया। अब एक और एग्जांपल लेंगे इसको समझने के लिए। जैसे कोई नंबर ले लो, 3, 4, 5, 6 में से हमने माइनस करना है 1, 8, 9, 7, 9, 8, 4, 2, 0, 8। इतने नंबर्स को इसमें से हम माइनस करना चाहते हैं एक स्टेप में, तो आपने घबराना नहीं। 8, 4, 12 और 7, 19। अब 19 से बड़ा ऐसा डिजिट जिसका यूनिट प्लेस या इकाई का अंक 26 हो, तो वो बन गया 26। 19 में हमने कितने जोड़े के, 26 बन गया, 7 जोड़े। अब 26 का 2 नेक्स्ट उसमें ऐड हो जाएगा, 2 + 8 = 10, 10 + 9 = 19। अब 19 से बिगर ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस 5 हो, वो है 25। 19 में हमने कितने जोड़े के, 25 बन गया, 6। अब इस 25 का 2 नेक्स्ट उसमें जुड़ जाएगा, 2 + 2 = 4, 4 + 9 = 13, 13 + 8 = 21। 21 में से बड़ा यूनिट डिजिट जिसका 4 हो, तो वो है 24। 21 में हमने कितने जोड़े के, 24 बन गया, 3। अब इसका 2 नेक्स्ट स्टेप में, 2 + 1 = 3, माइनस के 3 हो गए, ये प्लस करके 3 - 3 = 0। दिस इज अवर आंसर, राइट। इससे आप कितनी भी जो नंबर्स हैं उनकी माइनस एक स्टेप में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ले लो, अब जैसे 7, चलो इसको सिंपल से करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6
9 8 7 9, 1 1 3 5 4, 7 8 9, 9 9. तो इतने माइनस दे के आपने घबराना नहीं है, सीधा बेसिक चीज़ पे जाना है. 9 प्लस 9 18 प्लस 4 22 प्लस 9 31. अब 31 से बिगर ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस 6 हो तो बनता है 36. तो 31 में कितने जुड़े, 36 बन गया 5. अब इसका 3 माइनस में जुड़ेगा, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 5 25 प्लस 7 32, 32 से बिगर 35, 32 में कितने जोड़े, 35 बन गया 3. इसका 3 नेक्स्ट स्टेप में, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 8 21. तो 21 से बिगर बनता है 24, 21 में कितने जोड़े, 24 बन गया 3. इसका 2 नेक्स्ट स्टेप में, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 9 12, 12 से बड़ा 13, कितने जोड़े 1, 1 उसमें जुड़ गया, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0. राइट, कितना ही बिगर आपने एक स्टेप में इसको कर देना है, कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए माइनस वाला, ये बेसिक चीज़ आपने याद रखनी है. राइट, अब एक और सम देख लेते हैं. जैसे 5 6 7 8 9, 4 9 8 7 6, 3 5 4 6, 9 9 9 9. इसको यहाँ पर हम 8 कर देते हैं मानो. टू फोर नाइन एट सेवन एट सिक्स, माइनस 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 माइनस. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए देख के पजल नहीं होना, सीधा बेसिक स्टेप. 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 9 23, 23 प्लस 6 29, 29 प्लस 6 35, 35 से फिगर 39. तो 35 में कितने जोड़े, 39 बन गया 4. अब इसका 3 नेक्स्ट स्टेप में, 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 9 20, 20 29, 29 प्लस 4 33 प्लस 7 40, 40 से बड़ा 8, 48. कितने दिए हमने, 8, 4, 7 4 11 4 15 और 9 24 और 5 29 और 8 37, 37. तो बिगर, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के 37. अब देखो 7 4 11 9 20 25 और 38 और 4 37, तो यहाँ पे कितना आएगा, 37 ले के 47 ने. तो यहाँ पे हमने बिगर लेना है पर ये इक्वल आ गया, तो यहाँ पे हम 37 ही लेंगे. राइट, अब माइनस के 37, अब देखो 4 7 11 4 15 9 24 25 28 37, यहाँ पे भी 37, 37 में 37 क्या बचा, क्या 0. अब 3 जो है नेक्स्ट स्टेप में, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 से बड़ा 18, कितने दिए 1. राइट, और यहाँ पे 1 चला गया आगे, 4 प्लस 1 5, प्लस का 5 माइनस का 5 0. ओके, अब जब यहाँ पे ये इसका ध्यान रखना कि आप इसको 10 देके 47 ना कर दें, 37 ही रखना, क्योंकि बराबर का है वो, बिगर बनाने की कंडीशन में बड़ा लेना. ओके, दैट्स इट फॉर सब्ट्रैक्शन. इससे आप कितनी भी डिजिट हो उसको एक स्टेप में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए. थैंक्स.